आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था, कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बम्बई की सरकार को किसने गिराया था, 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था, उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था, 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिस्मिस किया था, आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी और वो भी जब वो बीमार थे, वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे, कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई, उसके साथ क्या किया, जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था उनके साथ क्या किया, उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, क्या यह तरीका ठीक था, क्या यह लोकतंत्र था क्या, अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे, राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है लेकिन तरीका क्या था, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया, आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार सत्ता का नशा उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है, हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल की रचना, जीएसटी काउंसिल की रचना अपने आप में भारत के सशक्त फेडरलिज्म के लिए एक उत्तम स्ट्रक्चर का नमूना है। रेवेन्यू के अहम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री सभी इक्वल टेबल पर बैठकर के निर्णय करते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर के दे, और देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि जीएसटी के सारे निर्णय, सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सबके सब सर्वानुमति से हुए हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर के किए हैं, इससे बड़ा फेडरलिज्म का उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है, कौन इसका गौरव नहीं करेगा, लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं। आदरणीय सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं फेडरलिज्म का, हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है, अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे भी नहीं बढ़ सकता, और इसलिए हमने एक योजना बनाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, देश में 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए, और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए तो बोझ कम हो जाएगा, और उस काम को हमने किया और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया लेकिन एक राज्य को छोड़कर के सभी राज्यों ने इसको ओन किया,
100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं और उसमें सभी दलों की सरकार वाले राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाले सरकारें हैं और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना ये उसका उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक और कैसे आर्थिक मदद होती है राज्यों को, किस तरीके से नीतियां कैसे बदलाव लाने से परिवर्तन आता है, उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। वो भी एक समय था जब हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए काम आते थे। ये दुर्दशा हमने देखी है, उसकी चर्चाएं बहुत चली है। अब इस संपदा राष्ट्र का खजाना भर रही है। हमने कोयले और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए। 2000 में हमने पारदर्शी प्रक्रिया के साथ खनिज संसाधनों का ऑक्शन किया। हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को जारी रखा, जो जैसे वैध लाइसेंस की बिना चार्ज के ट्रांसफर, 50% प्रोड्यूसर्स की ओपन मार्केट में सेल बिक्री, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर 50% रिबेट। बीते एक साल में माइनिंग रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। ऑक्शन से जितना भी रेवेन्यू आया वो राज्य सरकारों को मिला है, ये निर्णय किया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सुधार जो लागू हुए हैं इसका राज्य का ही भला हुआ है और राज्य का भला होने में देश का भला है ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इस क्षेत्र इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और उड़ीसा इस रिफॉर्म्स को लागू करने में अग्रिम राज्य रहा। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देता हूं कि उनकी सरकार ने सारे रिफॉर्म्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं। किसी को 200 साल तक हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 साढ़े 300 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका। और इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़े पहलू है, बने उतार चढ़ाव है और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये हम अपना दायित्व समझते हैं और इसी इतिहास से सबक लेते हुए
हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है और मैं समझता हूं ये अमृत कालखंड अब इसी से आगे बढ़ने वाला है। इस अमृत कालखंड में हमारी बेटियां, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, समाज के हर तबके का योगदान हो, उनकी भागीदारी हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़े। कभी कभी हम 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ओर देखेंगे, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 1857 के स्वतंत्र संग्राम में जो योगदान दिया गया है कभी हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा है। इतने महान स्वर्णिम पुरुषों को हम कैसे भूल सकते हैं, और हम इन चीजों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है देश आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, देश आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, महिलाओं के सशक्तिकरण भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत जैसा देश, 50% आबादी, हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें हैं। देश की 50% जनसंख्या, और इसलिए भारत का समाज की विशेषता है, उतनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है। ये एक जीवंत समाज है, हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं जो हमारी बुराइयों को से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज हम जानते हैं महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे यहाँ चिंतन हो रहा है।